सक्षम न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है जफर जी। जफर जी, एनआईसी किस प्रकार से कार्य कर रहा है कोरोना महामारी के बीच? जी मैडम, जो हमारे एनआईसीज है, मैं डिटेल बता दूं, हमारे एनआईसीज अभी पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर 6,000 लोग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं। जी जी। अगर मैं अपने डिस्ट्रिक्ट डोडा की बात करूं, डोडा के 308 लोग अभी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं। हमारे लोग जो है 2010 में जो है डिप्लॉय किया गया था डिपार्टमेंट्स में, बाद में जो है 2012 में जो हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट था 2 साल का, वो खत्म हुआ था। 2014 में जो है पिछली सरकार एक हमारी थी एनसी कांग्रेस, उन्होंने एक कैबिनेट डिसीजन निकाला था और दोबारा से जो है 2018 जो है हमारे लोगों को दोबारा से रिजाइन करवाया डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर। मैडम, एक थोड़ा सा जानकारी दूं, जो आजकल कोविड-19 जो महामारी चल रही है पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर, हमारे लोग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं इस महामारी में। हमारे लोग अभी डोडा में दिन रात काम कर रहे हैं, पूरे जम्मू कश्मीर में काम कर रहे हैं। जो हमारा एंट्री पॉइंट जम्मू कश्मीर का लखनपुर है, वहाँ पे हमारे 150 लोग काम कर रहे हैं। जो जितने भी क्वारंटाइन सेंटर्स है वहाँ पे हमारे लोग काम कर रहे हैं। जो कलेक्शन सेंटर्स है वहाँ पे काम कर रहे हैं। जो डिप्टी कमिश्नर का ऑफिस है वहाँ पे कंट्रोल रूम 24/7 ड्यूटी होती है, वहाँ पे हमारे लोग काम कर रहे हैं। और हेल्थ डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, ऑनलाइन जो एजुकेशन क्लासेस चल रही है वहाँ पे हमारे लोग काम कर रहे हैं, RDD डिपार्टमेंट में हमारे लोग काम कर रहे हैं। मैडम, एक प्रॉब्लम आ रही है हमारे लोगों में कि अगर हमारे लोग दिन रात काम कर रहे हैं इस हिंदुस्तान के साथ है, जम्मू कश्मीर यूटी की एडमिनिस्ट्रेशन के साथ है, अपने डोडा के डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ है, तो गवर्नमेंट का भी एक हक बनता है हमारे लोगों की तरफ देखना। हमारे लोग 2500 रुपया 2010 में भी सैलरी लेते थे, आज भी लेते हैं। मैडम, आप खुद सोचें कि 2500 से आज क्या गुजारा हो सकता है। हम ये चाहते हैं कि हमारी तरह की मांग रख रहे हैं आप सरकार से। जी मैडम, जो हम ये चाहते हैं कि हमारे लोग अभी जो हेल्थ डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं विदाउट पीपी किट्स काम कर रहे हैं। अभी आपने अभी एक और इन्फॉर्मेशन में दूं, जो हमारे लोग जो जम्मू कश्मीर में काम कर रहे हैं, 3 लोग अभी तक हमारे पॉजिटिव आए हैं, कोविड पॉजिटिव आए हैं। मैडम, एक और चीज़ है कि हमारे लोगों के लिए जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने अभी तक कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं रखी है। बदकिस्मती से ऊपर वाला ना करे, जो लोग हमारे पॉजिटिव आ रहे हैं या कोई और, या मैं भी अगर कोविड-19 ड्यूटी कर रहा हूँ, ऊपर वाला ना करे पॉजिटिव आके अगर मेरी डेथ हो सकती है, डेथ हो जाए, तो कम से कम जो मेरी फैमिली है, मेरे बच्चे हैं, मेरी माँ है, बाप है, बीवी है, वो तो सफर हो गए ना। हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर सरकार जो है एक इंश्योरेंस पॉलिसी हमारे लिए लाई जाए। एक जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने, जो हमारे LG साहब अभी, उन्होंने एक कमेटी बनाई थी हमारे लोगों के लिए, एक कमेटी बनाई थी कि हमारी एक अच्छी सी पॉलिसी बनानी थी, चेंज रेगुलराइजेशन पैटर्न, जो एक पैटर्न चेंज करना था हमारा। लेकिन अभी तक कोविड-19 से, हम मानते हैं कि अभी कोविड-19 चल रहा है, कोविड-19 की वजह से अभी तक वो मीटिंग नहीं हो पाई। लेकिन हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट, हमारे लोग जम्मू कश्मीर के साथ हैं, हिंदुस्तान के साथ हैं, तो हिंदुस्तान का, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट का भी एक फर्ज बनता है कि हमारे लोगों की जो सैलरी 2500 है सबसे बढ़ाया जाए। और जो कमेटी हमारे लिए बनाई गई थी, पैटर्न एक पॉलिसी के लिए कमेटी बनाई गई थी, उसको बुला के एक फाइनल मीटिंग करके तो अच्छी सी पॉलिसी दी जाए। और जो हमारे लोग विदाउट पीपी किट्स काम कर रहे हैं, उनके लिए एक अच्छी सी इंश्योरेंस पॉलिसी दी जाए। जी मैम, जफर जी, मीटिंग क्यों नहीं हो पा रही है? किस प्रकार की क्या समस्या ऐसी आ रही है कि आपकी मीटिंग नहीं हो पा रही, जिस प्रकार से आपने अभी बताया है? जी मैडम, जो मीटिंग अभी तक नहीं हो पा रही है, इसमें इस मीटिंग के जो हेड है वो चीफ सेक्रेटरी साहब है। मैडम, हम मानते हैं कि कोविड-19 जो जम्मू कश्मीर में आया, इसी के कारण अभी तक मीटिंग नहीं हो पाई। लेकिन मैडम, कोविड-19 भी चल रहा है अभी तक, 3-4 महीने से कोविड-19 चल रहा है। हम चाहते हैं कि हम यही अपील करते हैं कि हम मानते हैं, लेकिन उसका भी एक अगर कमेटी बनाई गई है, उस कमेटी की भी एक मीटिंग बुला के, जैसे इन्होंने SRO 202 किया, इसी तरीके से हमारी भी मीटिंग बुला के इसको करना चाहिए हुकूमत को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ने के लिए।